कल्याण ज्वेलर्स के स्टॉक की काफी उछाल आ चुकी है। बहुत बढ़िया खुशखबरी है। क्या ये 100 के पार जा सकता है? आइए जरा चलकर विश्लेषण करते हैं और बताएंगे इसमें आपकी क्या होनी चाहिए आगे की रणनीति। सबसे पहले अगर हम बात करें तो अपने लो लेवल से ऑलमोस्ट 50% का इंक्रीमेंट दिखा चुका है ये स्टॉक। गुड गेन्स हुए हैं, आज भी काफी तकड़े गेन आए हैं। पिछले 3 हफ्तों में सबसे ज्यादा गेन दिखाए हैं आज इस स्टॉक ने। देखिए, डिजिटल एड कैंपेन शुरू किया है, अब कस्टमर को रीच करेंगे थ्रू डिफरेंट डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म। कल्याण ज्वेलर यहां पर एड कैंपेन शुरू किया है फॉर गणेश चतुर्थी। महाराष्ट्र में और देश के अन्य हिस्सों में इसको पूजा संवत की तरह से यूज किया जाता है। तो क्यों इंपॉर्टेंट है इस संवत पर? कल्याण ज्वेलर्स विल बी गिविंग इंस्टेंट डिस्काउंट एंड स्पेशल कल्याण गोल्ड रेट, जो कि स्टैंडर्डाइजेशन प्राइस अक्रॉस ऑल कल्याण ज्वेलर्स इररेस्पेक्टिव द स्टेट, सब जगह पर एक समान भाव रहेगा। तो इसके लिए इन्होंने एड भी बनाया है। तो जो इनकी संकल्प ज्वेलरी है उसके लिए ये एड बनाया है, उसका पब्लिसिटी करने के लिए। हमारे हिसाब से क्या ये डेड कैट बाउंस हो सकता है? डेड कैट बाउंस क्या होता है? जब स्टॉक काफी तेजी से नीचे गिरे तो उसके बाद एक उछाल लगाने की कोशिश करता है, जैसे एक बिल्ली जंप लगाती है। पर उम्मीद लगाई जाएगी कि ये अपना 50 और 200 वीक के ऊपर जा चुका है, तो अब स्ट्रांग रहेगा। बट जस्ट बी केयरफुल, डू नॉट ट्राई टू बाय इन द ओवरबोर्ड जोन। अगर कहीं पर ये डेड कैट बाउंस हुआ तो आपको थोड़ा नुकसान हो सकता है आपके पोर्टफोलियो में। लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है, बट यहां पर काफी बड़ा उत्साह जन रहा है इनमें और फेस्टिव के लिए काफी तैयारी कर रहे हैं। ये नया ट्रिगर जो रहेगा वो फेस्टिव सीजन ही रहेगा। ये अच्छी खबर है सारे ज्वेलरी स्टॉक्स होल्डर्स के लिए, साथ साथ में इन पर्टिकुलर कल्याण ज्वेलर्स के लिए। फेस्टिव सीजन में लोग बाग अपने सोने की आभूषण खरीदते हैं, शादी के सीजन की तैयारी करते हैं, तो वो बहुत अच्छा सीजन रहता है हमारे हिसाब से। यहां पर टाइटल और कल्याण ज्वेलर सबके लिए काफी अच्छा रहेगा। एनालिस्ट यहां पर फेस्टिव डिमांड को अच्छी समझ रहे हैं। पिछले 2-3 सालों से जो शादियां पेंडिंग थी या ज्यादा खर्च नहीं कर पाए थे, वो अब यहां पर एक्सक्लूसिवली खर्च करेंगे। तो ब्रोकर्स का व्यू काफी बाय का रिकमेंडेशन, और 100 रुपए का टारगेट रहेगा इसका शॉर्ट टर्म के होल्डर्स के लिए। यहां पर कल्याण ज्वेलर्स का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी करीब 107 करोड़ है, जो कि ऑलमोस्ट नेगेटिव लॉस से प्रॉफिट में बदला है। और यहां पर जो इनके रेवेन्यू है वो भी डबल हो गए हैं इस क्वार्टर में, एक साल के पहले। यहां पर वैल्यूएशन दृष्टि से ये आपको फेयर रेंज में खरीदना है। क्या होगी इसकी फेयर रेंज वो हम आगे बताएंगे टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से, बट अभी ये फेयर रेंज की हायर एंड पर है, तो फ्रेश एंट्री इसको बेस्ड ऑन वैल्यूएशन शायद मत लीजिए। और इन्होंने इंडिपेंडेंस डे पर 75% तक डायमंड ज्वेलरी और गोल्ड ज्वेलरी पर मेकिंग चार्जेस डिस्काउंट किए थे। वॉल्यूम काफी तगड़ा चल रहा है इसमें, यहां पर कोई बेच नहीं रहा है, इसी वजह से डिमांड सप्लाई का मिसमैच के लिए स्टॉक काफी तेजी से ऊपर बढ़ा है। हमें क्या अच्छा लगता है, सेल्स डेफिनेटली बहुत इंप्रूव है, बट इनका जो पैट है वो फर्दर इंप्रूव कर सकता है। आइए जरा चलकर इनके फर्दर स्पेसिफिकली एक्शन देखते हैं तो क्या होगा इसमें, यहां पर आगे के लिए ये कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से बताने के लिए। तो अगर हम बात करें, इन्होंने यहां पर अपनी वेबसाइट पर काफी अच्छा पब्लिसिटी किया है अपने ब्रांड्स के लिए, अपने एक्टिविटीज के लिए, शुभ मुहूर्त पर, और आपके सारे के सारे डिजिटल गोल्ड करा रहे हैं। 100% अवेलेबल रहेगा गोल्ड आपके पास, और यहां पर ई स्क्रैच कार्ड भी दे रहे हैं। आपको पता ही है इनके लिए अमिताभ बच्चन जी जो इनके ब्रांड एम्बेसडर है, इनको काफी अच्छी तरह से कल्याण ज्वेलर को 300 लकी विनर को स्पेशल गोल्ड कॉइन दिए जाएंगे इनके द्वारा। तो ये बहुत अच्छा है, आपको डायमंड ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी, और इनके डिज़ाइन भी काफ़ी यूनिक होते हैं, और हर राज्य में इनके काफ़ी बड़े लेवल के स्टोर्स हैं, काफ़ी एग्जीक्यूटिव तरह के इनके ब्रांड रहते हैं, और काफ़ी इन्होंने बड़े लोगों को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ है। अगर हम बात करें कल्याण ज्वेलर्स की मार्केट कैप की दृष्टि से देखा जाए तो करीब करीब 8,000 करोड़ की कंपनी है, और इस लेवल पर ये कंपनी काफ़ी पॉजिटिव रहेगी अगर आप इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं। यहाँ पर
डेली 23 लाख शेयर हैंड एक्सचेंज, जिसमें से 26% की डिलीवरी है, क्योंकि एक स्मॉल कैप है, मिड कैप स्मॉल कैप की रेंज में है, तो हम आपको रिकमेंड कर रहे हैं 2% से ज़्यादा आप अपने पोर्टफोलियो का निवेश इसमें मत कीजिएगा। अब अगर हम कुछ इसके सेल्स का देखें, डिटेल ईयरली सेल्स अगर कैसी है ये देखें, तो यहाँ पर इनकी करंट ईयर की सेल जो रही है वो अप्रॉक्सीमेटली 9,056 करोड़ की सेल्स रही है, जो कि हाईएस्ट है पिछले 5 सालों के मुकाबले। अगर प्रॉफिटेबिलिटी देखी जाए तो प्रॉफिटेबिलिटी की दृष्टि से भी ये क्वार्टर इनका काफ़ी अच्छा रहा, और यहाँ पर पूरा साल का 212 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, जो बहुत ही पॉजिटिव माना जाएगा। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा जाए तो प्रमोटर के पास में 60% की होल्डिंग है, यहाँ पर FII और DII की थोड़ी कम होल्डिंग है, बट है इंपॉर्टेंट कि उन्होंने होल्डिंग रखी है, और पब्लिक के पास में 34% की होल्डिंग है। जैसे जैसे FII और DII इसमें और होल्डिंग बढ़ाएंगे तो ये स्टॉक काफ़ी तेजी से ऊपर बढ़ना शुरू करेगा। अगर क्वार्टरली रिवेन्यू देखा जाए तो देखिए यहाँ पर करीब करीब एक साल पहले जून के क्वार्टर में 1200 करोड़ रुपए का था, और ये ऑलमोस्ट 100% इंक्रीज होकर 2700 करोड़ का आया है, तो वो बहुत अच्छी बात है। अगर प्रॉफिट देखा जाए तो प्रॉफिट उस टाइम पर 56 करोड़ का लॉस था बिफोर टैक्स की अगर बात करें, यहाँ पर 127 करोड़ का प्रॉफिट आया है, तो ये ऑलमोस्ट 3 गुना जंप दिखाया है इन्होंने प्रॉफिट में। उस हिसाब से काफ़ी अच्छा मोमेंटम चलेगा इस स्टॉक में आगे भी। आज स्टॉक ने काफ़ी तगड़ा उछाल दिखाया, 70 रुपये से बढ़कर 77 रुपये, ऑलमोस्ट 10% का अपटिक बनाया है, और काफ़ी वॉल्यूम के साथ बढ़ा है। देखिए 2 दिन से काफ़ी अच्छा मोमेंटम रहा है, एक बार 67 से बढ़कर ये 72 के आसपास, और अब लग रहा है कि बहुत जल्दी ये 50 डे मूविंग एवरेज 200 मूविंग एवरेज को क्रॉस ओवर करेगा। 65 का लेवल बहुत आसानी से क्रॉस कर सकता है 2 दिन के अंदर, और ये वॉल्यूम के साथ बढ़ना, 15 मिलियन शेयर एक्सचेंज होना और यहाँ पर 11 मिलियन शेयर एक्सचेंज होना, क्लियर कट एक इंडिकेट करता है कि यहां पर अब अपवर्ड चैनल जो है वो स्ट्रॉन्ग बन चुका है काफी। यहां से देखिए अगर आप इसको चैनल बना के देखें तो ये चैनल पर काफी अच्छा मोमेंटम चल रहा है इस स्टॉक में, और वॉल्यूम के साथ जब बढ़ता है चैनल पर अपर हिस्से में, तो ये बहुत ही पॉजिटिव ट्रिक माना जाएगा स्टॉक के लिए। अगर यही चीज बुलिंजर बैंड को देखें तो बैंड का डायरेक्शन ऊपर होने लगा है, बैंडविड्थ भी करीब 17 के आसपास हो गया, बैंडविड्थ और बढ़ सकती है। यहाँ पर कैंडल बैंड के बाहर बनना इंडिकेट करता है, हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा करेक्शन मोड आए यहाँ पर, अगर ये अपर रेंज में जा रहा है। अगर करेक्शन आया तो ये यहाँ पे 70 और 71 के बीच में शायद इसका करेक्टिव मोड हो सकता है यहाँ पर। सुपर ट्रेंड के बेसिस पर 65 रुपए का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, RSI 80 के आसपास हो गया, ये भी एक ओवरबोट जोन होने का क्लियर इंडिकेट करता है, तो थोड़ा सा आपको सावधान रहना है। यहाँ पर फ्रेश एंट्री के लिए हम अभी मना करेंगे, हो सकता है थोड़ा करेक्टिव मोड में रहे और उसके बाद आप चाहें तो सपोर्ट के पास इसको अपने पास एंट्री कर सकते हैं। मैग्डी ने फिर से बाय सिग्नल जनरेट कर दिया है आज यहाँ पर 77 के लेवल पर, और एलिगेटर इंडिकेटर के बेसिस पर तीनों कैंडल पर ये गैप बढ़ता जा रहा है, तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम है इस पैरामीटर के बेसिस पर भी, ये पॉजिटिव ट्रेंड इसका चलेगा। 2% से 5% की लिमिट हमेशा रखिएगा किसी भी स्टॉक में, चाहे आप निवेश करें। टेक्निकली ये थोड़ा सा ओवरबोर्ड जोन में है, तो फ्रेश एंट्री के लिए यहाँ पर सलाह नहीं देंगे। अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो मेल ड्रॉप करेंगे। जय हिंद।